हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। ये टाइम और वर्क रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स है, जो कि चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, हम इसे अकॉर्डिंगली इसे पढ़ते जाएंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो हम यहां पर देखते हैं, ए सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय टू टेप्स ए एंड बी, मतलब एक टंकी दिया हुआ है जो कि जिसमें दो नल लगे हुए हैं, ए और बी दिया हुआ है। ओके, तो ए कैन फिल इट इन 20 मिनट्स। अगर केवल ए की बात करें तो ए उस टंकी को 20 मिनट में भर देता है। ओके, और बी इन 25 मिनट्स, बी उसको 25 मिनट्स में भर देता है। ओके, अब बोथ द टैप्स आर कैप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स। अब 5 मिनट के लिए दोनों को हम लोग ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ टंकी भर जाएगी क्योंकि 5 मिनट के लिए हमने दोनों को ओपन कर दिया। ओके, एंड देन द सेकंड इज टर्न ऑफ। अब फिर क्या करते हैं, बी को ऑफ कर देते हैं, बी को जो है हम ऑफ कर देते हैं। तो जो द सिस्टम विल बी कम्प्लीटेड फिल इज अनदर, मतलब जो टंकी फिर जब दोनों ओपन थे तो कुछ टंकी को भर जाएगी लेकिन कुछ खाली रह जाएगी, तो फिर क्या है उसको केवल ए भरेगा क्योंकि हम बी को ऑफ कर देते हैं। तो ए के द्वारा कितना टाइम लगेगा उसको भरने के लिए जो रिमेनिंग है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो पहला हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या कि ए किसी टैंक को क्या 20 मिनट्स में भर देता है, 20 मिनट्स में, और बी उसी टैंक को क्या कर देता है 25 मिनट्स में, 25 मिनट्स में भर देता है। ओके, तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है टोटल यूनिट कितना वर्क किया गया है। टोटल यूनिट में क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, ये 20 हो जाएगा, कॉमा 25 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 100 यूनिट इतना हमें टोटल वर्क करना है। ओके, अब दूसरा हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले निकालना होता है हमको टोटल यूनिट, फिर दूसरा निकालना होता है यूनिट पर डे। तो इसका हम यूनिट पर डे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल यूनिट अपॉन टाइम, टोटल यूनिट अपॉन टाइम हो जाएगा। टोटल यूनिट कितना दिया हुआ है इसका 100 दिया हुआ, अपॉन टाइम कितना दिया हुआ 20 मिनट दिया हुआ है, तो 20 × 25 = 100, तो 5 यूनिट पर मिनट करेगा। मतलब जो ए है वो क्या करेगा, एक मिनट में 5 यूनिट को भर देगा। ओके, अब अगर हम इसी तरह से बी की बात करें तो बी में क्या होगा, टोटल यूनिट, टोटल यूनिट कितना 100 दिया हुआ अपॉन टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है बी की तरफ 25 मिनट दिया हुआ, तो 25 × 100, तो 4 यूनिट पर मिनट करेगा। मतलब अगर बी की बात करें तो एक मिनट में वो 4 यूनिट भर देता है। ओके, अब अगर हम बात करें कि दोनों, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है बोथ द टेप्स आर कैप्ट ओपन ओपन फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए दोनों ओपन है। तो हम बात करते हैं कि 5 मिनट में ए कितना बढ़ देगा, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ 5 यूनिट पर मिनट, मतलब एक मिनट में 5 यूनिट भर देता है। तो 5 मिनट में कितना करेगा, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 यूनिट, मतलब 25 यूनिट भर देगा 5 मिनट में। ओके, अगर हम बी की बात करेंगे, बी 5 मिनट में कितना भर देगा, तो 5 × 20 ये 20 यूनिट भर देगा। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 45 यूनिट हो जाएगा। मतलब जब दोनों 5 मिनट के लिए ऑन है, जब हमारे दोनों 5 मिनट के लिए ऑन है तो क्या है वो क्या करते हैं, दोनों जब दोनों 5 मिनट के लिए ऑन है तो वो 45 यूनिट को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या बचा हुआ है, अब हमारा बचा हुआ ये है कि जब दोनों 45, हमारा टोटल यूनिट कितना था, हमारा टोटल यूनिट दिया हुआ था, हमारा 100 दिया हुआ था। ठीक है, हमको 100 फिल करना है, अब उन्होंने क्या 45 यूनिट को फिल कर दिया, तो हम इतना माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 55 यूनिट हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, अब 55 यूनिट बचा हुआ है, अब क्या है बी को हमने ऑफ कर दिया। ठीक है, अब बचा हमारा क्या ए, तो ए एक मिनट में जो हम देखते हैं, पहला ए क्या, ए का भरने का क्या है, ए की हम बात करें तो ए क्या करता है 5 यूनिट, ये 5 यूनिट पर मिनट भरता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं कि ए क्या है 5 यूनिट पर मिनट भरता है, मतलब क्या है एक मिनट में भर देता है वो 5 यूनिट। तो मतलब कि एक यूनिट कितने टाइम में भरेगा, 1/5 मिनट में। तो हम यहाँ से ही बात करें कि हमको कितना यूनिट भरना है, अब 55 यूनिट भरना है, तो 55 यूनिट कितने देर में भरेगा, 55/5 इतने मिनट में वो भर देगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 11 मिनट, मतलब कि वो 11 मिनट में टंकी को फुल कर देगा ए। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 11 मिनट। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस टेक्निक का यूज करके आप वर्क और टाइम और वर्क से रिगार्डिंग और भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एप्टीट्यूड से आता है, वो फिर चाहे गेट हो या फिर कोई बैंकिंग का कोई भी एग्जाम्स ले लेते हैं, तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और नई टेक्निक का यूज़ किया गया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल।